ऑलरेडी आपको क्राइटेरिया दे दिया है, अपना जो कोटा होता है अब आपको उसमें हिस्सा भी लेते हैं। या अभी मैंने देखा कि एक लेक्चरर साहब है, मतलब कि गवर्नमेंट जितना हो सकता है वो भी आपकी मदद करते हैं। और यहाँ पर हमारी इतनी जितने अवकात हैं हम आपको ग्राउंड दे सकते थे, जितना भी हो सकते हैं हम इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे। बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है। जैसे कि किसी साहब ने भी कुछ बातें चल रही थी जो हमारे लिए बड़े फायदेमंद है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये लोग यहाँ पे खेलने आए थे तो इनको ये नहीं इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स ही फील नहीं करेंगे, ये भी हमारे भाई है। हाँ, डिसेबिलिटी इनमें थोड़ी बहुत है, तो इनसे क्या चीज़ें हो रही हैं कि एक शायनेस खत्म होती है इनकी, और हेल्थ इश्यूज जो होते हैं जब आप घर में बैठे रहते हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं, तो जब आप ग्राउंड में आते हैं तो वो कम होते हैं, तो ब्रेन भी फर्टाइल होता है इनका और हेल्थ इश्यूज भी कम होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स फील नहीं करते, ये हमारे भाई हैं, हम इनके लिए सपोर्ट करते हैं। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं हमेशा इनका काम करता हूँ, इनके लिए बात करता हूँ आगे भी। जैसे कि मैं थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट ऑफ J&K का भी, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट का भी, यहाँ पे गुलाम हसन साहब जो यहाँ पे हैं जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं, इसका भी मैं थैंकफुल हूँ। और ये चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम्स फ्यूचर में कंटिन्यूसली होने चाहिए, सो दैट कि इनको कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि हम किसी से कम नहीं।